खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। इसी कड़ी में आज सोहना के रहने वाले कांग्रेस नेता प्रदीप खटाना पचगांव पहुंचे, जहां पर लोगों में इकट्ठा होकर उन्हें समर्थन दिया और कहा कि अब की बार किसी भी बाहरी उम्मीदवार को विधानसभा में नहीं घुसने देंगे। सोहना तावड़ू में विरोध शुरू हो गया है। तावड़ू को सोहना में शामिल करने की बात को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। 5 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। लोग बाहरी उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं और अब की बार क्षेत्र से ही उम्मीदवार को वोट देने की बात कही। केएनएन मीडिया के लिए सोहना से सूरज धोहन की रिपोर्ट। सर, जिस तरह से आप यहाँ पर पंचगांव में आए हैं, पूरा सहयोग आपको मिल रहा है, जिस तरह बाहरी जो उम्मीदवार का विरोध यहाँ पर जारी शुरू हो गया है, इसके पर हम क्या कहना चाहेंगे? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बाहरी उम्मीदवार हैं यहाँ पे, कोई आके जागता नहीं, ना उनकी कोई मुरादे पूरी करता, ना ही उनकी कोई विकास कार्य होता। जो पहल की है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमारे क्षेत्र की एक बदकिस्मती रही है कि अब तक जो है बाहर के उम्मीदवार यहाँ आते रहे और चुन के चले जाते हैं, वोट लेके विधायक बन के वो अपने घर जा बैठते हैं, आगे मंत्री भी कोई बन जाता है, कुछ वो वापस मुड़ के नहीं देखते। हमारे लोग अपने दर्द को लिए बैठे रहते हैं, कोई काम होता है तो उनकी भी नहीं सुनी जाती। सब इस बात से परेशान है, सबको दर्द है इस बात का कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति यहाँ से नहीं है, बाहर का बनता, वो हमारे क्षेत्र के दर्द को जानता ही नहीं। जो क्षेत्र का व्यक्ति होगा वो क्षेत्र के दर्द को जानेगा और उसको समझेगा, उसका हल निकालने की कोशिश भी करेगा। ये पूरे क्षेत्र में आज आवाज़ उठ रही है कि हमें अपना MLA चाहिए, हमें उधार का MLA नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे जितने जवान साथी यहाँ जमा हैं, इन तमाम की हाज़िरी में हम जो है बात कह रहे हैं यकीन के साथ कि हमें अपना ऐसा आदमी चाहिए जो कौम का खादिम हो और कौम की मदद करने वाला हो। आज तक का ये तजर्बा रहा है कि जो भी कैंडिडेट बाहर से आया है और उसने जो है टिकट लेकर यहाँ वोट तलब किया है, हमारी इस कौम ने उन पर भरोसा करते हुए कि वो हमारी खिदमत करेंगे और हमारा साथ देंगे, उनको जिताया है और उनका साथ दिया है। लेकिन हुआ ये है कि जब से वो जीते हैं उसके बाद से उन्होंने एक ही मरतबा इस कौम की तरफ रुख नहीं किया है और ऐसा ही तजर्बा सामने आया है। तो अब हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी चाहत ये है, और जितने भी जवान जमा हैं यहाँ, ये भीड़ इस बात की शहादत देती है और गवाही देती है कि हमें अपना आदमी चाहिए और अपने आदमी को जिताना है और जितना हो सके उसका साथ देना है, इस उम्मीद पर कि वो हमारे होंगे तो इसका ख्याल रखेंगे, हम अपनी कौम की खिदमत करेंगे और अपनी कौम का साथ देंगे। आज आपके पीछे प्रदीप खटाना आए हैं और एक उम्मीद लेके आए हैं कि पूरा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हमारी यही जो है यही रुझान है और हमारा यही यकीन है कि प्रदीप साहब जिस उम्मीद को लेकर आए हैं और जिस जो है रजा पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो ये सारे जवान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अगर उनको जो है टिकट मिल जाता है और वो कैंडिडेट जो है चुन लिए जाते हैं तो उनका साथ देंगे, उनको जो है वोट देंगे और इस उम्मीद पर देंगे वो एक कौम का दर्द रखेंगे और कौम की खिदमत करेंगे। जब कौम की खिदमत करेंगे तो लोग खुद ब खुद उनके साथ जुड़ेंगे और उनको अपना बना करके साथ लेकर चलेंगे। इसलिए सारे जवान इस बात के लिए तैयार हैं कि हम प्रदीप साहब को जो है जिताने की कोशिश करेंगे।